हिंदू मैरिज एक्ट 1955 के इस लेक्चर सीरीज में अपने अब तक के वीडियोस में हमने सेक्शन 24, 25 और सेक्शन 26 को कंप्लीट कर लिया है बेयर एक्ट से। हमने इंटरिम मेंटेनेंस के कॉन्सेप्ट को समझा, परमानेंट एलिमनी एंड मेंटेनेंस के कॉन्सेप्ट को समझा और अपने पिछले वीडियो में हमने बेसिकली सेक्शन 26 में कस्टडी ऑफ चिल्ड्रन के बारे में बात किया। इस वीडियो में हम बात करेंगे सेक्शन 27 ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट, जो बेसिकली डिस्पोजल ऑफ प्रॉपर्टी के बारे में बात करता है, सेटलमेंट ऑफ प्रॉपर्टी के बारे में बात करता है, उस प्रॉपर्टी के बारे में बात करता है जो कि प्रेजेंट किया गया था एट द टाइम ऑफ मैरिज और अबाउट द टाइम ऑफ मैरिज। तो बेसिकली कोर्ट अगर किसी भी पिटीशन के तहत कोई डिक्री पास करती है तो उस डिक्री में इन प्रॉपर्टीज के डिस्पोजल को लेकर के कुछ प्रोविजन डिसाइड कर देती है कि क्या रेशियो ऑफ डिवीजन होगा, प्रॉपर्टी का कितना हिस्सा हस्बैंड को जाएगा और कितना हिस्सा वाइफ को जाएगा, क्योंकि अब तक उनके बीच जो संबंध था वो लवेबल रिलेशन था, तो वो सभी प्रॉपर्टीज, अब उन प्रॉपर्टीज में कैश भी हो सकता है, काइंड भी हो सकता है, या कोई ऑर्नामेंट्स, या कोई बॉन्ड, कोई सिक्योरिटी, तो कोई भी प्रॉपर्टी जो कि प्रेजेंट किया गया था एक्ट और अबाउट द टाइम ऑफ मैरिज, जिसपे दोनों हस्बैंड और वाइफ का ज्वाइंट ओनरशिप था, तो जब तक उनके बीच संबंध ठीक रहा तब तक उन प्रॉपर्टीज को दोनों ने एक साथ शेयर किया, उस प्रॉपर्टी का यूज किया उन दोनों ने ज्वाइंटली। लेकिन अब उनके बीच जो रिलेशन पहले था वैसा नहीं है, और अगर किसी पिटीशन के तहत कोई डिक्री कोर्ट ने पास कर दी है, वेदर अंडर सेक्शन 9, 10, 11 और 13, तो कोर्ट ये भी प्रोविजन ऐड करती है उस डिक्री में कि वो प्रॉपर्टीज जो कि प्रेजेंट किया गया था फ्रॉम बोथ साइड्स एट द टाइम ऑफ मैरिज और अबाउट द टाइम ऑफ मैरिज, जिसपे हस्बैंड और वाइफ दोनों का ज्वाइंट ओनरशिप था, उस प्रॉपर्टी का डिस्पोजल, उस प्रॉपर्टी का डिविजन इस पर्टिकुलर रेशियो में होगा, ये परसेंटेज होगा, प्रॉपर्टी का इतना हिस्सा, इतना परसेंटेज वाइफ को जाएगा और इतना परसेंटेज हस्बैंड को जाएगा, और इन केस उनके वेडलॉक से कोई चाइल्ड है तो उसके भी इंटरेस्ट को, उसके भी फ्यूचर को देखा जाएगा और रेशियो डिसाइड किया जाएगा। अगेन कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि किस तरह से प्रॉपर्टी का डिविजन होगा बिटवीन हस्बैंड एंड वाइफ, तो ये टोटली कोर्ट के डिस्क्रिशन पर डिपेंड करता है, कोर्ट को जैसा भी लगे क्या हिस्सा होना चाहिए कोर्ट उस हिस्से को कोर्ट अपने डिक्री में प्रोविजन ऐड कर सकता है, राइट। तो डिस्पोजल ऑफ प्रॉपर्टी सेक्शन 27, सेक्शन 27 डिस्पोजल ऑफ प्रॉपर्टी, राइट। इसमें हम उन सभी प्रॉपर्टीज के बारे में बात कर रहे हैं विच वर प्रेजेंटेड एट और अबाउट द टाइम ऑफ मैरिज। एंड ओवर विच बोथ पार्टीज हैव ज्वाइंट ओनरशिप, राइट। लेकिन जो स्त्री धन है ये वाइफ का एब्सोल्यूट प्रॉपर्टी है, इट इज वाइफ्स एब्सोल्यूट प्रॉपर्टी, और इसमें किसी का भी कोई शेयर नहीं है, ना ही हस्बैंड और उसके फैमिली मेंबर्स का, और ना ही
वाइफ के फैमिली मेंबर्स का। तो स्त्री धन वाइफ का एब्सोल्यूट प्रॉपर्टी है, उस पर किसी का कोई क्लेम नहीं है और कोई उन प्रॉपर्टीज के डिस्ट्रीब्यूशन की बात नहीं कर सकता है, ये कोर्ट ने, सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर कर दिया है। तो जिस प्रॉपर्टी के डिस्पोजल के बारे में हम बात कर रहे हैं वो बेसिकली एट और अबाउट द टाइम ऑफ मैरिज जो प्रॉपर्टीज प्रेजेंट किया गया था, उन्हीं प्रॉपर्टीज के डिस्पोजल या सेटलमेंट या डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में बात करता है हमारा सेक्शन 27, राइट। अच्छा, ये जो प्रॉपर्टी है इसमें कोई गिफ्ट, कैश, काइंड या ऑर्नामेंट्स, कोई भी चीज हो सकता है, राइट। और इस प्रॉपर्टी को अंडर सेक्शन 27, जिस प्रॉपर्टी के बारे में हम बात करते हैं उसे हम स्पाउजल प्रॉपर्टी भी कहते हैं, स्पाउजल प्रॉपर्टी, राइट। तो कोई ऐसी प्रॉपर्टी जो कि प्रेजेंट किया गया था बिफोर द मैरिज और आफ्टर सोलेमनाइजेशन ऑफ मैरिज, वो प्रॉपर्टी इस सेक्शन के सब्जेक्ट मैटर में नहीं आता है और इस प्रॉपर्टी का डिस्पोजल कोर्ट नहीं करता है, राइट। तो हिंदू मैरिज एक्ट के तहत अगर कोई पिटीशन प्रेजेंट किया गया है इधर बाय हस्बैंड और बाय वाइफ और कोर्ट ने डिक्री पास की है, तो सेक्शन 27 के तहत उन प्रॉपर्टीज के डिस्पोजल को लेकर के कोर्ट प्रोविजन डाल सकती है कि इन प्रॉपर्टीज का डिस्ट्रीब्यूशन हस्बैंड और वाइफ में इस पर्टिकुलर रेशियो में होगा, और इन केस देयर इज एनी चाइल्ड आउट ऑफ द वेडलॉक तो उस चाइल्ड के भी बेनिफिट, उसके फ्यूचर को देखते हुए कोर्ट उस रेशियो को निर्धारित करेगी। और ये जो प्रोविजन होगा प्रॉपर्टी के डिस्ट्रीब्यूशन का, डिस्पोजल का, वो कोर्ट लागू करेगी, मेंशन करेगी ओनली एट द टाइम ऑफ पासिंग ऑफ डिक्री, डिक्री पास करते समय ही, डिक्री पास करने के बाद कोर्ट ऐसा नहीं कर सकती। अब कोर्ट फ्री है ये भी डिसाइड करने के लिए कि क्या होगा वे ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन बिटवीन द पार्टीज, तो उस तरीके को भी कोर्ट मेंशन कर सकती है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में प्रतिभा रानी वर्सेस सूरज कुमार के केस में ये क्लियर कर दिया है कि जो स्त्री धन है वो वाइफ का एब्सोल्यूट प्रॉपर्टी है और उस पर वाइफ का ही कंप्लीट ओनरशिप है, उस पर कोई अदर पर्सन किसी प्रकार का कोई क्लेम नहीं कर सकता है। और सुप्रीम कोर्ट ने प्रतिभा रानी वर्सेस सूरज कुमार के केस में किस तरह के प्रॉपर्टीज स्त्री धन में आ सकते हैं उसे भी प्रॉपर क्लासिफाई किया है, जैसे गिफ्ट्स टू हर बिफोर मैरिज, महिला को उसके घर वालों के तरफ से शादी के पहले कुछ मिला तो वो स्त्री धन है, पति के घर महिला पहली बार गई तो मुंह दिखाई के रसम में उसे कुछ मिला पति के घर वालों की तरफ से तो वो भी स्त्री धन है और वो उसका एब्सोल्यूट प्रॉपर्टी है। सास ससुर या किसी और के द्वारा किसी रिचुअल्स को निभाते हुए उस पत्नी को कुछ दिया जाता है तो वो भी उसका एब्सोल्यूट प्रॉपर्टी है, स्त्री धन है। पिता कोई प्रॉपर्टी गिफ्ट करता है अपनी बेटी को तो वो उसका एब्सोल्यूट प्रॉपर्टी है, स्त्री धन है। भाई करता है या मदर करती है तो ये जो स्त्री धन है वो वाइफ का एब्सोल्यूट प्रॉपर्टी है और उस पर किसी प्रकार का कोई क्लेम कोई नहीं कर सकता है, ना ही हस्बैंड और उसके फैमिली मेंबर्स और ना ही उस वुमेन के फैमिली मेंबर्स, राइट।
तो आगे अब हम सेक्शन 27 को बेयर एक्ट के लैंग्वेज में समझते हैं कि किस तरह से बेयर एक्ट सेक्शन 27 को डिफाइन करता है। सेक्शन 27 डिस्पोजल ऑफ प्रॉपर्टी क्या कहता है, इन एनी प्रोसीडिंग्स अंडर दिस एक्ट, इस अधिनियम के तहत यानी हिंदू विवाह अधिनियम के तहत कोई भी प्रोसीडिंग्स में कोर्ट में मेक सच प्रोविजंस इन द डिक्री, कोर्ट डिक्री में ऐसे प्रोविजंस कर सकता है जो कोर्ट को जस्ट एंड प्रॉपर लगे, विथ रिस्पेक्ट टू एनी प्रॉपर्टी प्रेजेंटेड, किस रिस्पेक्ट में, उस प्रॉपर्टी के रिस्पेक्ट में जो कि प्रेजेंट किया गया था एट और अबाउट द टाइम ऑफ मैरिज, और जिस प्रॉपर्टी पे हस्बैंड और वाइफ का ज्वाइंट ओनरशिप था। यही कहता है सेक्शन 27, राइट। आगे जब आप नोट्स में पढ़ोगे तो इसमें लिखा गया है कि फैमिली कोर्ट हैज गॉट ज्यूरिसडिक्शन, और डिस्पोजल ऑफ प्रॉपर्टी के रिगार्ड में जो क्षेत्राधिकार है, जो ज्यूरिसडिक्शन है, वो फैमिली कोर्ट का है, फॉर डिस्पोजल ऑफ प्रॉपर्टी ऑफ द मैरिज एंड ऑन प्रूफ ऑफ फैक्ट दैट ऑर्नामेंट्स वर एक्वायर्ड बाय वाइफ हरसेल्फ। तो अगर इस बात का प्रमाण मिलता है, वाइफ प्रॉपर एविडेंसेस पेश करती है कि उसके पास जो ऑर्नामेंट्स हैं उन ऑर्नामेंट्स को उसने एक्वायर किया था, उसने खरीदा था, या उन ऑर्नामेंट्स पे टोटली जो ओनरशिप है वो उसका है, हस्बैंड का कोई ओनरशिप नहीं है, द क्लेम ऑफ वाइफ फॉर ऑर्नामेंट्स कैन बी अलाउड, तो कोर्ट उसके क्लेम को अलाउ कर देगा फैमिली कोर्ट एक्ट के सेक्शन 7 एक्सप्लेनेशन ई को देखते हुए, राइट। ये कहा गया था संगीता बी कदम वर्सेस बालकृष्णन रामचंद्र कदम के केस में। तो ये है सेक्शन 27 ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट, राइट। और ये जो हम प्रॉपर्टी के बारे में बात कर रहे हैं, इसमें कोई भी प्रॉपर्टी हो सकती है, वेदर कैश, whether ornaments, whether deposits, investment, gifts, तो कोई भी property, right? जो कि present किया गया था at or about the time of marriage, जिसपे husband और wife का ownership था, joint ownership था, तो उसके disposal के बारे में बात करता है section 27. Again, एक अलग या एक separate decree court नहीं pass करेगी। कोई proceeding चल रहा था इस act के तहत, उस proceeding में court ने कोई decree pass किया था, तो डिग्री पास करते समय सेक्शन 27 को ध्यान में रखते हुए किस तरह से और किस वे में प्रॉपर्टी का डिस्ट्रीब्यूशन होगा, डिवीजन होगा, उस रेशियो को और उस वे को कोर्ट मेंशन कर सकती है, में मेंशन। और अगर कोई चाइल्ड है तो उसके भी इंटरेस्ट को देखते हुए, उसके फ्यूचर को देखते हुए, और चाइल्ड किसके कस्टडी में है, इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए कोर्ट डिक्री में ये प्रोविजन ऐड कर सकती है। तो दिस इज ऑल अबाउट सेक्शन 27 व्हिच इज डिस्पोजल ऑफ प्रॉपर्टी। अगर ये सेक्शन आपको अच्छे से समझ में आया है तो आप कमेंट बॉक्स में अपने ओपिनियन शेयर कर सकते हो। वीडियो अच्छा लगा है तो आप चैनल सब्सक्राइब कर सकते हो, वीडियोस को लाइक कर सकते हो, और इन वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर सकते हो, क्योंकि आपका एक सब्सक्रिप्शन मुझे मोटिवेट करता है कि मैं आपके बीच ऐसे ही वीडियोस लाता रहूं और आपके नॉलेज को एनहेंस करता रहूं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे, टुगेदर वी लर्न, टुगेदर वी ग्रो। अब हिंदू मैरिज एक्ट में हम 3 से 4 क्लास और अटेंड करेंगे और उन सभी टॉपिक्स को कवर कर लिए होंगे जहां से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, और आपको केवल और केवल इन्हीं वीडियोस को देखना है, इन्हीं सेक्शंस को पढ़ना है। इसके अलावा अगर आप किसी सेक्शन को देखते हो तो इट इज अप टू यू, इट इज वेल एंड गुड, लेकिन इन सेक्शंस को किसी भी हाल में आपको स्किप नहीं करना है, क्योंकि एग्जाम में जो क्वेश्चंस आएंगे वो इन्हीं सेक्शन से आएंगे। ठीक, थैंक यू।